आज हम आपको बताएंगे ये जो सोलर के ट्यूबवेल लगे हैं इनसे घर का लोड कैसे चलाएंगे, क्या क्या अपने को इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या क्या टूल चाहिए, क्या क्या सिस्टम चाहिए, कौन सा इन्वर्टर चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा, कितने पैनल चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी आज। तो इसके लिए लिया है हमने स्मार्टन का सोलर इन्वर्टर जो कि एडवांस MPPT टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसकी डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं आपको। ये 2500 VA का यानी कि लगभग दो किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है जो MPPT टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये देखो अभी हमने इसको प्रॉपर इनके घर के ऊपर मेन स्विच पे लगा दिया है। इसके कनेक्शन AC के कनेक्शन हमने कर दिए हैं। अब करते हैं सोलर को, आज सोलर की पावर देंगे। तो जैसा कि हमने बताया आप देख रहे हो वो वहाँ पे उसका इन्वर्टर लगा है, वहाँ से हमने ये DC वायर डाली है 6 स्क्वायर mm। इन्वर्टर से ट्यूबवेल वाले पैनल लगभग 60 मीटर दूर हैं। तो जो ये स्मार्टन का इन्वर्टर है लगभग इसको 2000 वाट के पैनल चाहिए। अब हमारे पास में है 335 वाट का एक पैनल और इस स्ट्रक्चर पे 8 पैनल हैं। और ये जो इन्वर्टर है ये मैक्सिमम PV वोल्टेज 90 वोल्टेज तक सपोर्ट करता है। तो जैसे आपने देखा कि ये हमारा 5 HP का ट्यूबवेल का सेट है, इस पे टोटल 16 पैनल लगे हैं, 8-8 पर स्टैंड पे ऊपर फिक्स किए हैं हमने। और ये हमारी मोटर का VFD है जो स्टार्टर बोलते हैं देसी भाषा में इसको। तो इसको 16 पैनल का हमने करंट दिया है, पहले का प्लस उठाया और 16वें का नेगेटिव उठा के सारे हमने 16 पैनल सीरीज में कर रखे हैं, इतना वोल्टेज इसको दिया है। ये 16 पैनल की VOC के हिसाब से 600 से लेके 650-700 वोल्टेज तक PV वोल्टेज इसको हमने दे रखे हैं, मगर हमारा जो इन्वर्टर है उसको चाहिए मैक्सिमम 90 वोल्टेज। PV के 90 वोल्टेज से अपर उसको दे नहीं सकते। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं हमने क्या सिस्टम लगाया। इसके लिए हम इस स्टैंड के सिर्फ 8 पैनल उठाएंगे। वैसे तो अगर इन्वर्टर के ऊपर पैनल लगे होते तो इसको 6 की ज़रूरत है, 335 वाट का पर पैनल के हिसाब से 6 पैनल में 2000 वाट पूरा हो जाता है, उसको इतनी ही रिक्वायरमेंट है। पर हमारा जैसे देख रहे हैं हम वायर थोड़ी लंबी हो गई है, 60 मीटर है, तो इसके एम्पियर वहाँ तक लॉस हो रहे हैं, इसलिए हम इस एक स्टैंड के 8 पैनल का करंट घर के इन्वर्टर को दे रहे हैं। दे कैसे रहे हैं यह हम आपको बताते हैं। हमने इसके लिए इसके 4 सेट बनाए हैं, 8 पैनल के 4 सेट बनाए हैं। पहले 2 पैनल का माइनस प्लस जोड़ दिया है, इधर वालों का 2 माइनस प्लस जोड़ दिया, इधर का 2 माइनस प्लस जोड़ दिया, इधर का 2 माइनस प्लस जोड़ दिया। हमारे ये 4 सेट हमारे पास बन चुके हैं। तो ये पहले 2 पैनल हैं, इनका हमने एक और दूसरे का नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ दिया हमारे पास में, उसके बाद में बचे हैं उसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। इसके हम PV वोल्टेज आपको चेक करा रहे हैं, 2 सेट का PV वोल्टेज हम आपको चेक करा रहे हैं। ये देखें आप, ये देखें 2 पैनल का स्क्रीन पे शो हो रहा है 80 वोल्टेज 2 पैनल का हमारे को सोलर से करंट मिल रहा है। तो हम 80 वोल्टेज इसका लेंगे, 80
दो सेट उधर से लेंगे, अस्सी इधर से लेंगे, अस्सी इधर से लेंगे और इनको पैरेलल में कर देंगे, तो ये हमारा वोल्टेज हमारे 80 ही रहेंगे। जब चारों चारों सेट के प्लस इकट्ठे कर देंगे, चारों सेट के माइनस इकट्ठे कर देंगे, तो पीवी वोल्टेज हमारे पास में 80 ही रहेंगे। और अगर हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज 350 से लेके 350 तक जाते हैं। इसलिए हम इसके चार सेट बनाए हैं, चारों के हम प्लस इकट्ठे करेंगे और माइनस इकट्ठे करेंगे। इसके लिए हम लगा रहे हैं यहाँ पे चेंज ओवर का सिस्टम। तो दोस्तों हमने इनके कनेक्शंस कर दिए हैं, ये दोनों हैंडल ऊपर करने पर, जैसे ऊपर करने पर ये दोनों चार सेट पैरेलल हो जाएंगे और इनका वोल्टेज 80 वोल्टेज घर की तरफ वायर है उसी में जाएगा। और इन दोनों को नीचे करने पर हमारा जो लगा है अपना पंप सेट, इसकी VFD को करंट जाएगा। तो ये देखो इसमें लाइट आ चुकी है और घर की तरफ वोल्टेज जाने बंद हो गए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसको स्टार्ट कर दिया हमने, ये 5 HP का सेट है, 4 इंची डिलीवरी है टैंक में से पानी उठाने के लिए। प्रकार हमारे को जब जरूरत होगी तब हम इस मोटर को यूज कर सकते हैं, और जब ये हमारा सिस्टम फ्री होगा, पैनल्स फ्री होंगे, तब हम इनको घर की लाइट के लिए यूज कर सकते हैं। फाइनली हमारा सेटअप हो चुका है सब कुछ। ये पीछे से वायर आ रहे हैं सोलर के, और यहाँ से हमने इसको इन्वर्टर को कनेक्ट दिया हुआ है। लगभग ये 30 से लेके 32 एम्पियर हमारे को पैनल से मिलेंगे, वही चार्ज सारा दिन बैटरी चार्ज करेंगे। मेन से ये इन्वर्टर इसको डिसेबल कर दिया है, मेन से ही है, मेन लाइट से ही है, चार्जिंग नहीं करेगा और पूरे घर का लोड भी सोलर से ही चलाएगा। इसकी बैटरी जब 50% आधी रह जाएगी तो ये मेन से कनेक्ट होगा। तो ये था हमारा सिस्टम। आप भी बढ़िया टेक्नोलॉजी का MPPT इन्वर्टर या ऑन ग्रिड इन्वर्टर ही सोलर पैनल से घर की लाइट चलाने के लिए यूज करें। आजकल PCU मिल रहे हैं, लोग जुगाड़ कर करके घर की लाइट डायरेक्ट चला रहे हैं, वो सिस्टम सही नहीं है। तो सबसे बेस्ट है घर पूरे घर का लोड चलाने के लिए 2 kW का सबसे बढ़िया इन्वर्टर स्मार्टन का सुपर मॉडल MPPT टेक्नोलॉजी में है।